लखीमपुर च वापरी घटना का सेक पूरे देश के नाल नाल सूबे भर च भी देखने को मिल रहा है। किसानां दे नाल नाल विरोधी पार्टियां वालों केंद्र ते यूपी सरकार प्रति रोस जताया जा रहा है। आम आदमी पार्टी वालों सूबे भर च पुतले साड़ के प्रदर्शन किया गया, जिथे रोस जता रहे आप वर्करां दा कहना है कि भाजपा नेतावां वालों किसानां दा श्रेआम कतल किया गया, जो कि निंदण योग है अते मुलाजमां नूं सजावां भी जरूर मिलनियां चाहीदियां ने। अज दा प्रोटेस्ट जिहड़ा है ओह आम आदमी पार्टी ने पूरे पंजाब के अंदर अपने वख-वख हलकियां दे विच, जिस तरह कि तुसीं जानदे हो लखीमपुर खेरी के अंदर जिहड़े किसान तानाशाही रवैया करके जिहड़ा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र ने आशीष मिश्रा ने जिहड़ा गड्डियां दे थल्ले अपनी गड्डियां दे थल्ले उत्थे शांतमय वातावरण दे विच जिहड़े किसान अपना प्रोटेस्ट कर रहे सी उन्हां नूं उन्हां ते उत्थे बहुत दरिंदगी दे नाल जिहड़ा कुचलिया उहदे खिलाफ जिहड़ा आम आदमी पार्टी ने जिहड़ा प्रोटेस्ट कीता है। और आम आदमी प्रोटेस्ट जिहड़ी है वह करदी रहेगी जदों तक ये मोदी सरकार जिहड़ी है ये जिहड़े तीन काले कानून ने ये वापस नहीं लै लैंदी, और जिहड़ा दोषी है जिन्हों गिरफ्तार कह रहे हैं किया गया उन्हों सलाखां दे विच पिछे सुट के सख्त सख्त सजा जिहड़ी है असीं साडी ते मंग है कि उन्हों घट तो घट फांसी की सजा जिहड़ी है उन्हों दित्ती जाए दोषी नूं। उहदे नाल नाल ही जिहड़ा गृह राज्य मंत्री है उन्हों इमीजिएटली उहदे पद तो उन्हों जिहड़ा उहदे कोल अस्तीफा लिता जाए और उन्हों उहदे पद तो उतारिया जाए। देखो जी ये इसलिए तुसी जानते हो कि इलेक्शन दे दिन ने इलेक्शन सिर ते है, साढ़े चार साल पौने पांच साल ते ये कांग्रेस सरकार नू कोई किसी की सुध नहीं इन्होंने लई ते अज जिहड़ा अपनिया सियासी रोटियां सेकन लई उत्थे इन्होंने जाके गिरफ्तारियां दित्तियां, जिहड़ा कि एक सिर्फ ते सिर्फ आई वॉश है। कांग्रेस दे नाल इन्हां नू कोई हमदर्दी किसानां दे नाल इन्हां नू कोई हमदर्दी नहीं। किसानां दे जदों बिल बने सी ये कांग्रेस भी उन्नी दोषी है जिनी बाकी पार्टियां दोषी ने, सिर्फ तो सिर्फ आम आदमी पार्टी ने जदों ये बिल काले तीन काले कानून लेके आई सी केंद्र सरकार उदों ही आम आदमी पार्टी ने इहदा प्रोटेस्ट किया सी, और अज दिन तक आम आदमी पार्टी ने तीन काले कानूनों का प्रोटेस्ट कर रही है। और असी ये इत्थे कहना चाहते हाँ कि जिन्ना जल्दी हो सकता है इन्हें काले कानून ने इन्हों वापस लिता जाए, नहीं तो आम आदमी पार्टी जिहड़ी आ अपना अंदोलन होर तेज करेगी और जिहड़े दोषी ने उन्हां नूं सख्त तो सख्त जिहड़ी सजा दित्ती जाए। मैं प्रोफेसर एच एस वालिया इंटलैक्चुअल विंग का वाइस प्रेजिडेंट और पुतला जिहड़ा अज फूकया जा रहा है ये पंजाब की हर कॉन्स्टिचुएंसी फूकया जा रहा है। असी अमृतसर केंद्रीय कॉन्स्टिचुएंसी वालों इकट्ठा होए हैं और जो लखीमपुर खीरी च होया ये एक इंसीडेंट ना समझो, जदों की बीजेपी सरकार आई है 2014 की इन्हों की दमनकारी नीतियां जड़ियाँ हर हथकंडा बनाया जा रहा है। किसानों का केस तुहानू पता है कि कितने डिस्कस नहीं होया, राज्यसभा च कोई बहस नहीं हुई, करोना काल च ऑर्डिनेंस जड़ा है वो पास करके वो इंप्लीमेंट करता गया, किसान चाहते ही नहीं है। और मोदी सरकार जड़ी है वो अड़ी हुई है, इस तरह यूपी दे विच दमनकारी नीतियां जड़ियां चल रही हैं और इहदा विरोध आम आदमी। तुसी देखो कि सिर्फ इहो ही गल नहीं है, तुसी कोई चीज़ ले लो CBI नूं किस तरह ये जिहड़ा दमनकारी नीतियां नाल उहनां दा डायरैक्टर जिहड़ा है वो रातों रात लाता गया सीगा, रिजर्व बैंक का कोई डायरैक्टर नहीं सी जदों डीमोनेटाइजेशन करती गई, मोदी साहब ने कहा नहीं करनी है, वन मैन रूल है, ऑटोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप है। और सुप्रीम कोर्ट दे जिन्ने सीनियर एडवोकेट ने उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पहली बारी की आज़ादी तो बाद कि भाई सानू नहीं पूछा जाता, और जड़ा मर्जी केस जड़ा जड़े मर्जी जज जड़े इन्हां दे खास जज ने उन्होंने दे दिता जाता। उस तरह किसानों के उत्ते हर तरह नाल दमनकारी नीतियां जड़ियां अपना रहे हैं। किता देखो बड़ा स्पष्ट नज़र आता है कि कारां आईयां और प्री प्लैन टंग प्री प्लैन इस करके कह रहे हैं जिहड़े केंद्रीय स्टेट मिनिस्टर ने मिश्रा साहब उन्होंने एक दिन पहला बयान दिता कि किसान मेरे नाल आमने सामने हुण फिर दसांगे
एक ही प्रूव करता अगले दिन कारा चढ़ाती किसानों से जान बुझ के, क्योंकि इन्होंने डराना किसान हाली तक डरे नहीं, डटे हुए है। बड़ी प्लैनिंग नाल एजुटेशन चल रही है, पीसफुल नाल हर जगह पर एजुटेशन चल रही है। हाँ जी, अज अज पंजाब की हर कॉन्स्टिचुएंसी उतले फूके गए हैं, मोदी दे और योगी दे दोवां दे पुतले फूके गए, क्योंकि दोवां ने दमनकारी नीतियां जिहड़ियां अपनाइया हुई हैं। और यह जो मैं दस्या लखीमपुर खीरी च होया उहदे विरोध च ये कोई बयान अपना नहीं दे रहे, कोई सिंपती जिहड़ी जाहिर नहीं कर रहे। दो चार पैसे देने नाल की हुंदा कि 45 लाख देता, यह तो चाहिए कि इस बंदे नूं फांसी होवे और अपने मुंडे नूं किस तरह बचारिया हो। बड़े अफसोस की गल है, और ये सरकार नूं पता नहीं होएगा, ये एजेंसियां नूं पता नहीं होएगा, ये पुलिस नूं पता नहीं होएगा, होएगा जरूर। ये बचाते हैं और पिछों डायरेक्शन ने बड़ी प्लानिंग के नाल डायरेक्शन।